खबर रीवा जिले से है, जहां बोरवेल खुला छोड़कर रखने वाला खेत का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। लापरवाही के चलते मासूम की जान चली गई है। आपको बता दें कि विगत 3 दिन पूर्व वहीं पर मनिका गांव 6 वर्षीय मासूम मयंक गिर गया था बोर में। 2 दिन तक मासूम को बचाने के लिए बचाव कार्य किया जा रहा था। मौके पर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, कलेक्टर प्रतिभा पाल सहित SP विवेक सिंह, कई आला अधिकारी मौजूद थे। उनके अथक प्रयासों के बावजूद भी मासूम की जान को नहीं बचाया जा सका। जब उसे बोरवेल से निकाला गया तब उसकी सांसें थम चुकी थी। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले में जवाबदेही तय करते हुए CEO जनपद त्योंथर एवं STO PHE त्योंथर को निलंबित करने के निर्देश दिए थे और लोगों से अनुरोध किया था कि अगर ऐसे बोरवेल को जो कि खुले हैं उन्हें ढक कर रखें ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। मामले को लेकर खेत के मालिक जिसने बोरवेल को खुला रखा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनवाते हैं SP विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा है। सबको मालूम है 3 दिन पहले एक 6 साल का बच्चा जो एक खेत में गया था तो एक असुरक्षित बोर में वो गिर गया था, जिसको बचाने के तमाम प्रयास किए गए लेकिन उसमें हम विफल रहे और कल उसकी मृत शरीर उसको निकाला गया है और जिसमें PM के बाद परिजनों की रिपोर्ट पे इसमें हमने 304 IPC का प्रकरण खेत मालिक के ऊपर पंजीकृत किया गया है। खेत मालिक का नाम ब्रजेंद्र मिश्रा, पिता हीरामणि मिश्रा है और जिसको कल ही गिरफ्तार करके और उसको आगे की विवेचना इसमें की जा रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें जैसा भी पाया जाएगा वैसे इसमें आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो जानकारी अभी उससे पूछताछ चल रही है, कथन लिए जाएंगे कि कहाँ कब का बोर है, कैसा बोर है और जो हमें समझ में आया है जो तत्कालीन वहाँ पे लोकल सूत्रों ने बताया वो ये बताएं कि 2 से 3 साल पुराना बोर है और जिसको इन्होंने असुरक्षित तरीके से इसको बंद कर रखा था और जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ था। ये सभी से अपील है, लगातार पहले भी इस तरह की घटनाक्रम हुए हैं, कई बार मासूमों की जान चली जा रही है, मासूमी जान सांसद फंसती है, छोटे से बोर होते हैं जिसमें बचाव कार्य भी बहुत मुश्किल होता है। तो सभी से अपील है कि ऐसे जो भी असुरक्षित बोर हैं उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से उसको भरवाएँ। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो प्रशासन से मदद लें और उसमें पूरी मदद की जाएगी ताकि इस तरह की कोई भी जनहानि किसी बच्चे के साथ इस तरह से आगे ना हो और यदि किसी ने ऐसा फिर भी किया इसके बाद भी तो उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी।